So students, exercise 12.1, see question number 6. An isosceles triangle has perimeter 30 cm and each of the equal side is 12 cm. Find the area of the triangle. Now see, this question is similar to question number 4. Perimeter is given. In question number 4, perimeter is given and two sides are given. And the two sides which are given were different. Here the two sides are same as it is an isosceles triangle. ठीक है, तो same है, so you will do yourself. Perimeter given है 30, दो sides हैं 12, 12, 30 में से 12 plus 12, 24 minus करोगे, the third side will be 6 centimeter, right? So you know the three sides, thereby you can find the area. Fine. Now come to exercise 12.2. First question we are going to discuss. A park is in the shape of a quadrilateral ABCD, has angle C90. Now there is a quadrilateral in which angle C is 90. ऐसे बना ले, चाहे आप सीधा रेक्टेंगल भी बना लो. व्हाट वी वांट कि हमारा जो सी है वो 90 हो, बाकी 90 बना लो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, ए बी सी डी साइक्लिक ऑर्डर में नेमिंग दोगे, ऐसे नहीं करना ए बी सी डी, नो, देन योर क्वेश्चन विल गेट रॉन्ग. व्हेनेवर यू हैव टू नेम एनी क्वाड्रिलेटरल, राइट, तो आपका बेटा अगर क्वाड्रिलेटरल का नेम गिवन है तो आपने उसको साइक्लिक ऑर्डर में ही लिखना है. जैसे आप लिखोगे ए बी सी और डी. ठीक है, ए बी इज 9 मीटर, नाउ ए बी इज 9 मीटर, बी सी इज 12 मीटर, सी डी इज 5 मीटर, ए डी इज 8 मीटर. नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल. Now look on the board, how to find the area. Do you have any direct formula to find the area of quadrilateral? Hum area of trapezium kiya hua hai, if you remember, half sum of parallel sides into height. But ye to maine aise trapezium ke form mein bana diya, but zaruri thodi hai ki ye ek trapezium hai, aapka figure aise bhi ban sakta hai. Jahan par, ek minute. अगर एंगल सी 90 है, दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रिलेटरल इन विच एंगल सी इज 90, ये 90 है ना बेटे, बाकी ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है. ठीक है, यहां पर ये फिगर बना लो आप, ये लो, वो रहने दो, वो बनाओगे तो आप कहोगे मैम ट्रेपीजियम का हमारा ये क्वेश्चन भी हो सकता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, एज इट इज अ परपेंडिकुलर सो इट कैन बी द हाइट, ये पैरेलल लाइंस होगी, बट इट इज नॉट गिवन दैट द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल पैरेलल. सो नो, मेक दिस फिगर. ए बी 9, बी सी 12, फिगर रब कर दूंगी मैं बेटा, आप देख फटाफट से बना लो. सी डी 5 एंड ए डी 8. फाइन, नाउ वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल. कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है. व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू, व्हाट वी विल डू, वी विल जॉइन द डायगोनल. नाउ व्हिच डायगोनल, ऐसे एसी को ज्वाइन नहीं करेंगे. अगर एसी को ज्वाइन करेंगे तो हमारा जो एंगल 90 डिग्री है वो डिवाइड हो जाएगा. व्हाट वी विल डू, वी विल ज्वाइन बीडी. नाउ सी, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, यस. अगर ट्रायंगल राइट एंगल है तो हम उसका एरिया निकाल सकते हैं. कैसे, हाफ बेस इनटू हाइट,
तो ये वाला जो ट्राइंगल वन है इसका एरिया तो इजिली निकल जाएगा, हाफ बेस इनटू हाइट. नाउ व्हाट अबाउट दिस ट्राइंगल टू, हाउ टू फाइंड द एरिया. नाउ वी हैव बीन गिवन द टू साइड्स, दिस एंड दिस, बट वी आर नॉट गिवन दिस, ये नहीं ना गिवन. सो हु विल टेल मी हाउ टू फाइंड दिस. अब हमें इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए, बेटा ये सिंपल ट्राइंगल है, स्केलिंग ट्राइंगल, हमें नहीं पता कैसा है, हमें थ्री साइड्स चाहिए. यस यस अपरन, वेरी इजी, अनम्यूट करो. ऑप्शन है, अब बोलो. मैम हम पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे और वो हमारे पास डी भी आ जाएगी. This is a right angle triangle. By applying Pythagoras theorem on it, we will find this BD. BD find करेंगे, फिर हमारे पास third आ जाएगी, फिर हम Heron's formula लगा के ये वाला triangle का area find करेंगे. And at the last, we will add the area of these two triangles. So it is a bigger question, but it is very easy. ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे area of triangle BCD. I hope the board is visible. Area of triangle BCD is half into base into, ऐसे लिखो, area of right angle triangle. Area of right angle triangle BCD is half base into height, half into 12 into 5, 30 meter square. ये आ गया. Now in triangle BCD, BD square is equal to 12 square plus 5 square by, हमें साइड निकालनी है तो आपकी मर्जी है, आप चाहे लिख दो hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square, फिर लगाओ, नहीं तो सीधा ही करो, because we need to find here the areas, for that we want this BD, so we will not, we will simply write by Pythagoras theorem. So now BD square is equal to 144 plus 25. BD square is 169. This implies BD is 13 meter. Kitna aa gaya BD? 13 meter. Theek hai? Now for, यहाँ पे लिखेंगे, for area of triangle ABD. अब हम जो भी करेंगे, that we will do for finding the area of this triangle ABD. A is 8, B is 9, C is 13 meter. आप लिखोगे where A, B, C are the sides of the triangle. S कितना है? A plus B plus C by 2, 13 plus 9, 22 plus 8, 30 by 2, 15 meter. So area of triangle ABD is S into S minus A. ठीक है? Now we will fill the values. 15 minus 8. Hurry up, start doing yourself. 15 minus 9. 15 minus 13. Okay. 15 kya hai? 3 into 5. इंटू सेवन, सिक्स को लिख सकते हैं, थ्री इंटू टू, सात में टू, थ्री इज इन पेयर सो इट विल कम आउट, टू इज इन पेयर सो इट विल कम आउट, कितना एरिया आएगा, सिक्स रूट 35. नोट डाउन बेटा.
I hope you all have noted this. Now we have found the area of both the triangles, right? Now we will add. So we will write area of quadrilateral ABCD is equal to area of triangle BCD plus area of triangle ABD. 30 plus 6 root 35 meter square. Now listen to me carefully. Now beta, you can leave your answer here also. Or if you want to fill the value of root 35, you know, अगर यहाँ पर 36 होता, 36 किसका square root होता, 6 का, 6 into 6, 36, तो अभी क्या है ये root 35, तो आपने solve नहीं करना है इसको, इसको हम approximately लिख सकते हैं 5.9, जैसे 36 हो गया 6 का, तो ये approximately 5.9, तो 6 into 5.9, 54, 65.4, ये हो गया आपका 35.4 plus 30, 65.4 meter square approximately will be your area. But it is not compulsory to fill the value of the root. You can leave your answer here also. ठीक है बच्चे, any doubt? Kindly note down. ठीक है बेटा, नोटेड। एनीवन हु इज स्टिल नोटिंग इट डाउन प्लीज रेज योर हैंड। ठीक, करो जल्दी। Done. हाँ जी बेटा, you have to give the response. धीरेन हो गया बेटा। चलिए, second question देखिए बेटा। Find the area of the quadrilateral. Now there is a quadrilateral. अब यहाँ पर कोई 90 degree कुछ नहीं है। A simple quadrilateral is there. सिंपल क्वाड्रिलेटरल जैसा मर्जी बना दो, ए बी सी डी, ए बी थ्री, डी सी फोर, सी डी फोर, डी ए फाइव एंड ए सी। सो दिस क्वेश्चन यू हैव टू डू योर सेल्फ, जस्ट लिसन, जस्ट अंडरस्टैंड। हियर बेटा यू आर हैविंग टू ट्राइंगल्स। In order to find the area of quadrilateral, no direct formula can be applied because this is not any particular type of quadrilateral. A square and a rectangle and a trapezium है, ठीक है? Simple quadrilateral है। और एक simple quadrilateral का हमारे पास formula होता था जब हम 9th, 8th में करते थे कि क्या होता था? ऐसे आपको एक quadrilateral given है, general। उसके ऊपर height बनी होती थी, याद है? तो आप क्या करते थे? Half
into sum of the heights into base, if you remember. ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब क्वाड्रिलेटर में हाइट्स भी नहीं गिवन, तो देर इज नो मेथड टू फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर डायरेक्ट. व्हाट यू हैव टू डू, आपको दोनों एरिया ट्राइंगल के एरियाज निकालने पड़ेंगे. अब कुछ 90 नहीं है, सो इन बोथ द ट्राइंगल्स यू हैव टू अप्लाई हीरोन्स फॉर्मूला. पहले ऐसे लिखोगे फॉर ट्राइंगल ए सी डी, सारा हीरोन्स फॉर्मूला, फिर ट्राइंगल ए बी सी के लिए हीरोन्स फॉर्मूला, दोनों के एरियाज फाइंड करोगे एंड देन यू विल ऐड. इसकी साइड्स हैं 554, इसकी साइड्स हैं 534, सो द एरिया विल बी डिफरेंट. राइट, एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर 2? हीरोन्स फॉर्मूला लगाना है बेटे, वो आप खुद लगाओगे दोनों पे और फिर ऐड कर दोगे. कोई डाउट है तो पूछ लो. बस ये ध्यान में रखना है, जब भी ए बी सी डी कोऑर्डिनेटर बनाओगे तो साइक्लिक ऑर्डर में लिखना है ए बी सी डी. ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन. ऐसे फिगर है, दिस इज 5, ये 6, ये 1.5, 1, 1, 1, 2 सेंटीमीटर है सारा ये टोटल, 6.5. ठीक है, Radha made a picture of an aeroplane with colored paper as shown in the figure. Find the total area of the paper used. Now what to do? How to find the area of this figure? Now beta, you can see that this whole figure is divided into how many parts? 1, 2, 3, 4 and 5. In 5 parts, this figure has been divided. So how to find the area of this figure? We have to find the separate area of every part. So I'm marking 1, 2, 3, 4 and 5. Right? Now see, this is 5. So therefore this side, this one, it will also be 5. Ye 5 hai, to ye bhi 5. This is 1. So the opposite side, this will also be 1. So what it is? It is an isosceles triangle. Just find. Yes, please raise. Switch on the camera. Whosoever is raising the hand. Only then I will unmute. Please switch on your camera. So it is the instruction for all the students, beta. If you will switch on your camera, only then I will unmute you. Otherwise, I'll not. Because fake entries also come in the class, right? So if the camera will be on, then I'll unmute. Now see. So this is an isosceles triangle, right? So how will we find its area? By Hieron's formula. Now see this second part. This is what? ये देखो आपको दिख रहा है कि ये कैसा है, यहां पर ये 90 डिग्री बन रहा है. क्या बन रहा है? 90 डिग्री. तो इसका एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं? हाफ बेस इंटू हाइट. नाउ यू फॉर दिस यू शुड नो द बेस एंड हाइट. ये बेटा कितना है? ये देखो ये आमने सामने है, ये 1.5. एंड वॉट इज दिस? ये 6 है, एरोप्लेन है, उसकी जो विंग्स हैं वो इक्वल मेजरमेंट की होती हैं. ऐसे नहीं कि एक विंग बड़ी एक विंग छोटी. ठीक है, दिस इज 6, दिस इज आल्सो 6. इसी तरह से ये वाला देखो,
हाफ बेस इंटू हाइट, ये बेस है ये हाइट है, किसी को भी बेस ले लो किसी को भी हाइट ले लो, तो इन सेकेंड और फोर्थ जो फिगर है इसका एरिया क्या आएगा, सेम, क्या आएगा, सेम, ठीक है। नाउ दिस पार्ट, दिस इज अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है इसी, ये पूरा 6.5, ये 1, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ 6.5 इनटू 1, हो गया, ठीक है। 1, 2, 3, 4, ये क्या है हमारे पास ट्रेपेजियम, इसके बाद में करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द एरिया ऑफ ऑल द फोर पार्ट्स, लेट अस स्टार्ट। फॉर एरिया ऑफ फिगर 1, जल्दी से लिखना शुरू कीजिए बेटा। ए इज 5, बी इज 5, सी इज 1, ऑल दिस इज गिवन इन सेंटीमीटर, यूनिट्स बाद में लिख लेंगे। एस इज व्हाट, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, इलेवन बाय 2 सेंटीमीटर, जिसको हम लिख सकते हैं 5.5 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ फिगर 1 इज स्क्वायर रूट ऑफ 5.5। देखो बच्चे, अगर आप, हमें पता है ये 5.5 है, 5.5 माइनस 5 विल बी 0.5, ठीक है। अगर आपके दिमाग में क्लिक ना करे आप 11 बाय 2 लेके भी कर सकते हो, बट इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन मुश्किल होंगी, बार बार एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। 5.5 माइनस 5, 5.5 माइनस 5, 5.5 माइनस 1, so now 5.5 into 0.5 into 0.5 into 4.5, ये पेयर में है, ये बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा, 55 over 10 into 45 over 10, 0.5, 10 बाहर, अंदर क्या बचा, 5 into 11, 5 into 9 is 3 into 3. डेसिमल हटा रही हूं मैं 0.5 का, नीचे आ जाएगा 100, यहां 5 पेयर में है 5 बाहर, 3 पेयर में है 3 बाहर, सो द एरिया ऑफ द फिगर 1 इज 3/4 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप इट इज क्लियर। देखो ऑरली कैलकुलेशन की ना, कुछ करके नहीं देखा, इसी तरह से आपको भी इसी तरह से करने की कैलकुलेशन बार बार साइड पे करने की जरूरत ना पड़े। धीरेन कैमरा ऑन करो, बोलो। मैम आपने जो स्क्वायर रूट की बात किया है, जो 5.5 जो स्क्वायर रूट जिसमें हट गई थी, उसकी बात क्या किया है यहाँ मैम, इसके ऊपर, इसके ऊपर बेटा देखो 5.5 था, नीचे 10, डेसिमल हटा दिया, 4.5 था, डेसिमल हटा दिया, नीचे 10, 10 दो बार है तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, 55, 55 क्या है, 5 इंटू 11, 45 क्या होता है, 5 इंटू 9, तो 5 इंटू 9 को लिख दिया 3 इंटू 3, ठीक है। फिर 3 पेयर में है वो बाहर, 5 पेयर में है वो बाहर, एक 5 मिसिंग है ना, ये वाला 5 नहीं ना लिखा,
यस लिखा हुआ है, लिखा हुआ है बेटा, लिखा हुआ है। ये वाला 5 डेसिमल हटाया, नीचे 10 था, डेसिमल हटाया नीचे 100 आ गया। तो एक ये 5, एक 5 जो बाहर निकला 3, और एक 3 निकला। ठीक है धीरेन? ओके मैम, ओके मैम। नाउ एरिया ऑफ फिगर सेकेंड इज एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हाफ इंटू 1.5 इंटू 6। आपको ये ध्यान में रखना है, ये है आपका ट्राइंगल, ये 1.5 आपको भी ये गिवन है, ये नहीं गिवन, तो सामने वाला देखो, ये गिवन है 1.5, तो ये भी 1.5 हाफ इंटू, यस धीरेन कैमरा ऑन करो बेटा, कुछ पूछना है तो कैमरा ऑन करो, नहीं तो हैंड लोअर कर लो। तो कितना आएगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली एरिया ऑफ फिगर 4 इज ऑल्सो, फिगर 4 सेम है आपको दिख रहा है, बेस और हाइट सेम है, तो दोबारा से एरिया फाइंड करने की जरूरत नहीं है, सीधा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ फिगर 3 एल इंटू बी सिक्स पॉइंट फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास क्या क्या है, 3/4 root 11 प्लस 4.5 प्लस 4.5 प्लस 6.5, चार एरिया हमने निकाल लिए। अब हमें फिफ्थ एरिया निकालना है। फिफ्थ एरिया निकालने के लिए बेटा वी हैव अ ट्रेपीजियम, कैसी फिगर है हमारे पास, दीज आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर एंड दीज टू साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, सो इट इज अ ट्रेपीजियम, सो आई एम गोइंग टू रब द फुल फिगर और ट्रेपीजियम बनाऊंगी। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। Here you know the parallel side. This is 1 and this full is 2. But height नहीं पता. तो ऐसे ये भी आपके 8th में question था, जिसमें trapezium given है, उसका area निकालना है. We used to find the height. Dhiren, if you want to ask anything, please switch on your camera, बेटे. अटेंशन बेटा, दिस इज 1, 1, 1 एंड 2, हाइट हमने निकालनी है। देखो प्लीज बोर्ड पे, हाउ टू फाइंड द हाइट, इसको अलग से हम नेम दे देते हैं, ए बी सी डी, ये बेटा हाइट है, बी ई, ये सबने नोट कर लिया है, दिस ऑल पार्ट। For area of figure 5, that is area of trapezium ABCD, where BE is perpendicular to DC, हमने construction किया है तो हमने लिख दिया BE is perpendicular to DC. Now our main motive is to find this BE. तभी हम, ये height है, तभी हम area निकाल सकते हैं. See बेटा, ये perpendicular है. Board पे देखेंगे सारे बच्चे.
there are two ways. अगर मैं ये हाइट नहीं बनाती ऐसे, इसके पैरेलल बना देती हूँ, ये वन, ये भी वन, ये वन बेटा, तो इसके पैरेललोग्राम है ना, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ये भी वन, तो ये बचा क्या है, ये भी वन. हीरोन्स फॉर्मूला लगा के इसका एरिया निकाल सकते, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया ये, है ना, वन वन वन, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया. इसका एरिया क्या आएगा, रूट थ्री बाय फोर, एक मिनट कुछ गड़बड़ है, किसी को कोई गड़बड़ समझ आ रही है, ये वन हो गया, ये वन, ये भी वन, ये भी वन, रूट थ्री बाय फोर आना चाहिए इसका एरिया. और अगर दूसरे मेथड से करें, एक मिनट, ठीक है बेटा उसी से करते हैं, आंसर देखेंगे, आंसर में कुछ गड़बड़ होगी फिर देखते हैं. इधर देखो ये ज्यादा इजी है, हमने यहाँ पर ये बनाई, परपेंडिकुलर बनाने की जरूरत नहीं है. एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी वेयर बी ई इज पैरेलल टू ए डी, बी ई ए डी के पैरेलल है, तो ये भी वन, ये भी वन, ये पूरा टू था, ये वन, तो ये भी वन, फिगर में ही शो कर दो. ठीक है, हम लिखेंगे वेयर बी ई इज पैरेलल टू ए डी, बी ई इज इक्वल टू वन सेंटीमीटर, ई सी इज इक्वल टू ऑल्सो वन सेंटीमीटर. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल, पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करने के लिए, अगर पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का एरिया भी फाइंड नहीं कर सकते ना डायरेक्ट, वेल हो गई, इसके लिए हाइट निकालनी ही पड़ेगी, क्योंकि हाइट किसी भी केस में चाहिए. कल कंटिन्यू करेंगे बेटा, ठीक है. अगर हम ऐसे करके इसका हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकालते हैं, ये निकल गया, बट व्हाट अबाउट दिस, व्हाट इज, हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, उसके लिए भी हमें हाइट चाहिए. So in any case we need to find the height. We'll continue with this some tomorrow. Right? तो आप four parts तक कर लो, fifth part कल करवाऊंगी. लक्ष्य कैमरा ऑन कर लो बेटे. You want to ask anything? Switch on your camera. हाँ बोलो. मैम half stomach parallel sides or distance plus distance between them से नहीं कर सकते, वही हो गया trapezium का formula कह रहे हो ना? Yes. आप उसके लिए ये distance चाहिए ना? But उसके लिए ये distance चाहिए, निकालेंगे ना, ये यही तो निकालना है. मैं सोच रही थी ये ना निकालना पड़े, लेकिन वो नहीं हो रहा उससे. ठीक है, निकालना ही पड़ेगा, कल करेंगे इसको. ठीक है, take care बेटा.